हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेजी बुटीक। आज मैं आपको स्कर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसे सीखने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये हमारे पास स्कर्ट के लिए 3.5 मीटर कपड़ा है, इसमें से हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। ये अभी हमने डबल फोल्ड किया है इस तरीके से। अब हम इसको इस तरीके से ये कॉर्नर पकड़ के इसका और ऐसे कर लेंगे, इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे हम। ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से हम इस कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। इसमें हम स्कर्ट की लेंथ रखेंगे 36 इंच। स्कर्ट की लेंथ होगी इसमें 36 इंच और वेस्ट होगी इसमें 32 इंच। बस हमें इसमें ये 2 ही नाप चाहिए हैं स्कर्ट की कटिंग के लिए। अब हम इसमें इसकी वेस्ट का निशान लगाएंगे। सबसे पहले ऊपर की तरफ से यहाँ पे इसकी वेस्ट आएगी। जैसे कि इसमें वेस्ट है 32 इंच, तो इसमें 5+ करके 37 इंच हम इसमें वेस्ट रखेंगे इसकी। इसमें ऊपर कॉर्नर से इस तरीके से इंची टेप को रख के यहाँ पे हम 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये कॉर्नर पे इसी तरीके से रखा रहेगा इंची टेप, इसको इस तरीके से घुमाते रहेंगे ऐसे, इस तरीके से राउंड में घुमाते हुए पूरे में इस तरीके से निशान लगाएंगे हम इसमें। अब हम इसको इस तरीके से राउंड में निशान लगा लेंगे। ये हमारा 9.5 इंच पे इस तरीके से निशान आ जाएगा। ये कमर में जो हमने 37 इंच रखा है, तो ये 1/2 इंच हमारा इसमें सिलाई में जाएगा ऊपर से। अब हम इसकी लेंथ रखेंगे ऊपर 1 इंच इस तरीके से छोड़ते हुए बेल्ट के लिए, नीचे हम 36 इंच पे निशान लगाएंगे इसका लेंथ का। ऊपर की तरफ 1 इंच छोड़ते हुए पूरे में हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे। अब हम इसको इस तरीके से राउंड में निशान लगा लेंगे पूरा। पहले हम इसकी वेस्ट की कटिंग करेंगे ऊपर से। और अब नीचे से इसकी गेयर की कटिंग करेंगे। जो हमने 36 इंच पे निशान लगाया, इससे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे इसके, जो हमें हमारा नीचे मुड़ाई में जाएगा। हमको इतना कपड़ा कम है, इसको हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस तरीके से स्कर्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले हम ये जो हमने अलग से ज्वाइंट कटिंग किया था यहाँ पे ज्वाइंट लगाने के लिए, इसको हम इसमें ज्वाइंट लगा लेते हैं।
तरीके से हम दूसरे वाला जॉइंट भी ऊपर की तरफ लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से रखते हुए जो हमने जॉइंट दिया है इसमें, अब इस कपड़े को इस तरीके से रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से इसमें भी कर लेंगे हम। इस वाली सिलाई को इस तरफ रखते हुए नीचे की तरफ और इसके यहाँ पे ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर से वेस्ट से लेके नीचे तक सिलाई लगाएंगे इसमें। ऊपर से हम थोड़ी सिलाई छोड़ देंगे क्योंकि ऊपर हमें बेल्ट जोड़नी है इसमें, इसीलिए। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा देंगे। वेस्ट से लेके नीचे तक अब इसमें ऊपर वेस्ट की तरफ हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। ये हमने बेल्ट के लिए पट्टी कटिंग कर ली है। ये हमने 3.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और लंबाई जितनी हमें कमर में रखनी है उतनी लंबाई हम इसमें ले लेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से इसमें जॉइंट लगाएंगे। अब जो हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी सिलाई से बचा के, उस जगह पर हम इसमें बेल्ट जोड़ लेंगे। यहाँ पे हमें जितना कपड़ा चाहिए इसका इस तरीके से यहाँ तक इसकी स्टिचिंग कर लेंगे हम, और इससे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से। अब हम इसमें इस तरीके से जॉइंट लगा लेंगे। अब इसमें इलास्टिक डालने के लिए पहले हम ऊपर से फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे हम रफ सिलाई लगाएंगे अब इसमें।
अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक हमने ये इस तरीके से लिए, जैसे कि इसमें वेस्ट है 32 इंच, तो उसमें से हमने 5 माइनस कर दिया, तो 27 इंच हमारी इसमें वेस्ट रह गई। तो 27 में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसमें मार्जिन, क्योंकि हमारा जब हम इलास्टिक को जोड़ेंगे तो उसमें सिलाई में आएगा ये हमारा। तो 28 इंच हमने इसमें इलास्टिक लिया है। इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के इलास्टिक को हम इस तरीके से यहाँ पे सिल देंगे। अब इस इलास्टिक को इसमें अटैच कर देंगे हम, जो स्कर्ट है इसके अंदर इस तरीके से रख के इसकी बेल्ट के अंदर, और इसके ऊपर इस तरीके से रख के हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पूरी इलास्टिक लगाने के बाद इसको हम सेट कर लेंगे पूरी स्कर्ट में। अब हम इसमें बीच में सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक डालने के बाद हम इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम नीचे से। ये फोल्ड करते हुए, क्योंकि ये रेब में होता है, हमें खींचना नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मली इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा। ये हमने इसका गियर सारा फोल्ड कर लिया नीचे से। अब हम इसमें लेस लगाएंगे नीचे की तरफ। हमारे पास ये ब्लैक कलर की लेस है, अब हम इसको इसके ऊपर रख के इस तरीके से सिल लेंगे।
लगाने के बाद ये स्कर्ट सिल के तैयार हो गई है। ये इसका फाइनल लुक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।